ये कहानी है साल 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था और साल 1193 में वो भारत आए। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी, मगर उसे यहाँ पर कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बैटलफील्ड्स पर अपनी बहादुरी दिखाकर औध के मालिक ने उसे अपनी सेना और राज्य में पनाह दे दी और इसके बाद से उसका मानो जैसे भाग्य ही खुल गया, क्योंकि इस राज्य में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो ब्रह्मचारी थोड़ी ना बनेगा, वो और हमला करेगा। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों को उन पर आक्रमण करके उसे अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। एंड यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालत उसकी और बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया, लेकिन फिर भी उसके जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करके बताओ। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे एक कुरान लाकर पढ़ने दे दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की और तब उसे आचार्य जी ने ये बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और कहा गया कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के लोग के पास ऐसी शिक्षा है और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इंपॉर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90,00,000 किताबों को जलने में पूरे 3 महीने लग गए। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये लेजेंड लोगों को सिर्फ एक लेजेंड या फिर बस एक कहानी लगे, बिकॉज अभी पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसा ही बताता है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं है वो ये है कि नालंदा तबाह हुआ था और उसे बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। और ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा है बल्कि 1260 में छपी हुई एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिन्हाजी सिराज ने खुद अपनी किताब तबाकत ई नसीरी में पूरी इस घटना का और इसमें जो जो लॉसेस हुए थे उसका डिटेल में वर्णन किया है। सो अब जाहिर सी बात है इसमें हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नुकसान तो डेफिनेटली हुआ था, पर इसके एग्जैक्ट इंप्लीकेशंस क्या थे उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी में आखिर क्या क्या था। सो नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान, वही गुप्ता डायनेस्टी जिनके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जहां स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल थे और यहां एक साथ हजारों से भी ज्यादा साधु संत गुरु और शिष्य रहते थे। ये सभी लोग मिलकर वहीं पर रहते थे और शिक्षा हासिल करते थे। इनफैक्ट नालंदा ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था जहां पर इंटर एशियन कनेक्शंस इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा फ्लरिश होता था। चाइनीज मंक्स जैसे युआन जांग, यिन जिंग और हुई चाओ यहाँ पर रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। श्रीलंका और तिब्बत से भी कई स्कॉलर्स और मंक्स यहाँ पर पढ़ने आते थे और फिर यहाँ से सीखकर अपने देश पर वो नॉलेज स्प्रेड करते थे। अब ये यूनिवर्सिटीज अपने लेक्चर्स या सेमिनार्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं ताकि वो नॉलेज आगे के आने वाले जनरेशंस को पास ऑन किया जाएगा। एज वी ऑल नो, नॉलेज ओनली कंपाउंड्स ओवर टाइम। पर पुराने जमाने में नॉलेज को स्टोर करने का एक ही तरीका हुआ करता था, उसे मैन्युस्क्रिप्ट्स या बुक के फॉर्म में किसी लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी में रख दो। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने की अगर मैं बात करूं तो यही नॉलेज अवेलेबल होता है इन PDF फॉर्मेट, जिसमें आप नोट्स या की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर सकते हो एंड इवन किसी को शेयर भी नहीं कर सकते आफ्टर एडिटिंग इट। और बस इसी समस्या का हल लेकर आया है PDF Element by Wondershare।
एज यू ऑल नो, यूजुअली डॉक्यूमेंट शेयर करते समय हम पीडीएफ फॉर्मेट को यूज करते हैं, जो कि एक अनएडिटेबल फॉर्मेट होता है। अब अगर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको अपना रेज्यूमे एडिट करना है या फिर आपको अपना क्लास प्रोजेक्ट एडिट करना है, पीडीएफ एलिमेंट की मदद से आप सिर्फ एडिट ही नहीं कर सकते हो बल्कि उसे वर्ड, एक्सेल, पीएनजी, जेपीजी एक्सेट्रा जैसे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई फोटोग्राफ या पीपीटी अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक काफी सिंपल टू यूज ऐप है, बस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस ऐप पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेगी, फ्रॉम एडिटिंग, कन्वर्टिंग टू साइनिंग अ डॉक्यूमेंट एज वेल, जिससे आपका पीडीएफ एक्सपीरियंस पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा इन अ फ्यू सेकेंड्स। सो अगर आप ऑफिस वर्क या कॉलेज में सबमिशन कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो, पीडीएफ एलिमेंट एकमात्र इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस और टू परचेस इट, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। जैसे यूनिवर्सिटीज उस समय बौद्ध धर्म की भी मुख्य गद्दी हुआ करती थी और इसीलिए जो लोग बख्तियार के अत्याचार से बच गए वो लोग जान बचाकर तिब्बत भाग गए थे। इनफैक्ट इस बात पर खुद दलाई लामा ने भी कमेंट किया है कि तिब्बत की बौद्ध परंपरा नालंदा की परंपरा का सीधा कंटिन्यूएशन है। इसके अलावा आर्यभट्टा जैसे एक वर्ल्ड रेनाउंड मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं। और इसी से हमें ये पता चलता है कि नालंदा सिर्फ इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर था। तो अब जब ये यूनिवर्सिटी ही इतनी इम्पोर्टेंट थी तो कोई इसे नष्ट करना ही क्यों चाहेगा? वेल, इसीलिए ही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थी। इनफैक्ट ये सारे इन्वेडर्स और ऑप्रेसर्स की क्लासिक टेक्निक होती है। किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उसे डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो सभ्यता अपने पांव पर खड़े ना हो सके। इस टैक्टिक को इंग्लिश में बुक बर्निंग भी कहते हैं, यानी बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर पब्लिकली किताबों को आग लगा दिया जाता है। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो ये बुक बर्निंग्स काफी ज्यादा सिंबॉलिक होते हैं। मतलब अगर हम एक और एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करें, जब मंगोल्स ने अब्बासीद कैलिफेट से पर्शिया में मिलिट्री सपोर्ट मांगा था और उन्होंने मना कर दिया था, तब मंगोल्स ने बगदाद में घुसकर पूरे शहर को तहस महस कर दिया। लेकिन उसके साथ मंगोल्स ने बगदाद हाउस ऑफ विजडम, जो वहां का एजुकेशन हब था, उसे भी तबाह कर दिया। अब आज के तारीख में इराक और ईरान कितना एडवांस्ड होता अगर वो हाउस ऑफ विजडम तबाह नहीं हुआ होता था, इसकी आप कल्पना लगा सकते हो, क्योंकि दुनिया भर के स्कॉलर्स हाउस ऑफ विजडम में आते थे और वहां पे अपना नॉलेज शेयर करते थे। और उसी पीरियड को हम इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं जब ये सब होता था। अब मंगोल्स ने, ऐसा कहा जाता है कि टिग्रिस नदी में इतनी किताबें फेंकी थी कि डूबी हुई किताबों का एक पुल बन गया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? वेल, कुछ ही सालों में इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गया और पर्शिया में मंगोल रूल शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इससे एक सोसाइटी में नॉलेज के नी कैप्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस सोसाइटी की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। और इसीलिए खिलजियों और मंगोल से लेकर जर्मन नाजीज और ब्रिटिशर्स सभी ने इस टेक्निक को यूज किया है। नाजी जर्मनी में हर वो बुक जो नाजीज्म के खिलाफ जाती थी या फिर ज्यूइश लोगों द्वारा लिखी गई थी उसे जला दिया गया था। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि नाजी जर्मनी ने ज्यूइश लोगों का जेनोसाइड किया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस जेनोसाइड का एक मेजर पार्ट कल्चरल जेनोसाइड भी था। उनके कल्चर का इतिहास ही इस दुनिया से मिटाने की कोशिश करना। कल्चरल जेनोसाइड को बेसिकली आप ये कह सकते हो, वो प्रैक्टिस जिसमें एक ग्रुप, कल्चर या आइडियोलॉजी किसी दूसरे कल्चर को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहती है, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ किया था। अब ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक हमारे भारत में गुरुकुल व्यवस्था या फिर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम पर राज करना था तो लॉर्ड मैकॉले ने यह तय किया कि अगर भारत पर अपना राज जमाना है तो सबसे पहले यहां पर यह सिद्ध करना होगा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम नीचा है और भारत को इससे बेटर सिस्टम की जरूरत है, और धीरे धीरे भारत के एजुकेशन को वीक बनाओ और उसे वेस्टर्न एजुकेशन से रिप्लेस करो। अब ऐसे करने के लिए वैसे तो उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए, लेकिन इनमें दो चेंजेस मेजर थे। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का गुरुकुल सिस्टम हटाना और फिर उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करना। बेसिकली इस मॉडल में अपर कास्ट जिसकी ब्राह्मण्स को जानबूझकर ब्रिटिशर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सेक्शन को एजुकेट करना और उससे हायर एजुकेशन को ग्लैमराइज करना और फिर उस एजुकेटेड सेक्शन के बल पर बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना और प्रो ब्रिटिश बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि इससे हुआ ये कि एजुकेशन इंडिया के सिर्फ एक सेक्शन तक ही सीमित हो गया और हमारी जनता में इलिटरेसी बहुत बढ़ गया। अगेन ब्रिटिशर्स टारगेटेड द बेस एजुकेशन। उनका फंडा सिंपल था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो बाय ब्लड एंड कलर तो इंडियन होंगे लेकिन वो अंग्रेज होंगे बाय सोल, कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड
एंड एजुकेशन। इनफैक्ट मैकॉले का अपने फादर को लिखा गया एक लेटर भी है, उसे अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने खुद लिखा था कि इंडिया को अपने तरीकों से पढ़ाने का उनका तरीका सक्सेसफुल रहा है और जिस किसी भी हिंदू ने इंग्लिश एजुकेशन हासिल की है वो अपने कल्चर या धर्म से कभी भी नहीं जुड़ पाया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 30 सालों में इस एजुकेटेड क्लास में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। और इस बार भी इस टेक्निक का नतीजा, वेल, ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल सक्सेसफुली राज किया। एंड इनफैक्ट अगर ऑन अ मेंटल लेवल देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं कर रहे। मतलब कि मैकॉले का ये लेटर जो लिखा गया था 1836 में, यानी कि आज से लगभग 186 साल पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैकॉलेइज्म की वजह से उस समय लॉर्ड मैकॉले ने इंडियंस को जो उनकी रूट से अलग किया था वो आज तक भी रिपेयर नहीं हो पाया। क्योंकि आज भी कई सारे इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस हैं जो इंडियंस को सच्चाई से कोसों दूर रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन हिस्टोरियन डीएन झा, जो बेसिकली इस पूरे इशू को ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट के बीच का कम्युनल वायलेंस का एंगल दे रहे हैं। मिस्टर झा कहते हैं कि मिन्हाज ई सिराज ने भी अपनी किताब तबाकत ई नसरी में उस यूनिवर्सिटी में रह रहे लोगों को एज ब्राह्मण्स रेफर किया है। मतलब कि क्लियरली ब्राह्मण्स ने वहां के बुद्धिस्ट को हटाकर नालंदा में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इनका बयान यहां पर नहीं रुकता है। ये कहते हैं कि मिन्हाज ई सिराज ने नालंदा को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है और जो यूनिवर्सिटी मेंशन है वो ओदंतपुरी है, जो नालंदा से कुछ वक्त की दूरी पर मौजूद है। अब यहां पर काफी सारे लोग उनसे डिसएग्री करते हैं, इंक्लूडिंग इवन फॉर्मर आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण शौरे। और इन क्रिटिक्स का जनरली ये पॉइंट होता है कि अगर हम मिन्हाज ई सिराज के टेक्स्ट को देखें तो इस बात पर आर्ग्यू करना फिजूल है कि उसमें नालंदा मेंशन है या ओदंतपुरी, क्योंकि नालंदा के आसपास की सारी यूनिवर्सिटीज को खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया है। एंड सेकेंडली उसी बुक में वो ये कहते हैं कि वहां के सो कॉल्ड ब्राह्मण्स के सर पूरी तरह से शेव्ड थे, जो कि नॉर्मली ब्राह्मण्स जो शिखा रखते हैं उससे काफी अलग है। सो यानी वहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी रहते थे। अब यहां पर एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि नालंदा के जलने से जो नॉलेज लॉस हुआ था वो तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में सिर्फ एक भक्तियार ही नहीं है, कई ऐसे भक्तियार आए थे और इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हमारे रूट्स को तोड़ना रहा है, जिसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने बेसिकली ये बताया कि किस तरीके से इंपीरियल फोर्सेस की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही थी कि हमारे रूट्स को ब्रेक कर सके। बट यहां पर आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि रूट्स से वापस जुड़ने के चक्कर में आपको इरैशनैलिटी में बिलीव करना स्टार्ट नहीं कर देना है, जस्ट बिकॉज वो हमारे रूट्स से हमें कनेक्ट करता है। So, यहां पर अगर पुराना नॉलेज कुछ भी है या पुराने कल्चर का कोई पार्ट है वो जो कि आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से रेलेवेंट है और आज के जमाने में हमारी लाइफ्स को इंप्रूव कर रहा है, हमारे सोच को सही डायरेक्शन दे रहा है और एट द सेम टाइम हमें यूनाइट कर रहा है, तो उन चीजों को रिवाइव करना हमारा फर्ज होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ लाइफ फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।